हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग. वेलकम बैक ऑन एन एकेडमी प्लेटफॉर्म. वेलकम बैक ऑन एन एकेडमी प्लेटफॉर्म. ज्वाइन एवरीवन फास्ट. क्लास इज डिले ड्यू टू सम लाइट प्रॉब्लम. वेल, क्रैक सीएसआईआर विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. और आप मौका पाइए इंडियाज के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का. पार्टिसिपेट करिए लाइव क्लासेस में. अन अकेडमी लर्निंग ऐप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए. प्लस कोर्सेज परचेस करिए और मौका पाइए इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का. कैरोथर सॉल्यूशंस में हम बात करने वाले हैं. चैप्टर 5 के बारे में डिस्कशन करेंगे. आज से ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे. इसके बारे में बात करेंगे. इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे. ज्वाइन एवरीवन फास्ट. आउटसाइड बैच में पार्टिसिपेट करिए आप लोग. यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है. सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. आज 8 रात को 8 बजे के आसपास जो है वो आपकी क्लास है. 8 PM पे आपकी क्लास है. पार्टिसिपेट करिए सभी लोग. सब्सक्रिप्शन परचेज करिए, बिकॉज अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो यू विल बी गेट व्हाट फुल सिस्टमैटिक कोर्सेज के थ्रू आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी. लाइव इंटरेक्टिंग क्लासेस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा. एंड एज वेल एज लाइव क्विज में अपने चॉइस के बैच और अपने चॉइस के टीचर से आप पढ़ सकते हो. लाइव पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हो. लर्न एनी वेयर एनी टाइम. कहीं पे भी रहिए, पढ़ाई करते रहिए. वीकली टेस्ट सीरीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. प्राइस अफोर्डेबल है. प्राइस कुछ खास नहीं है, प्राइस अफोर्डेबल है. 2 टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म. सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो प्लस सब्सक्रिप्शन एंड आइकनिक. आइगेनिक में आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड कराए जाते हैं. पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल. एज वेल एज आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है. बाकी जो कॉमन फीचर है दोनों जगह पे, आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे. दोनों जगह आपको इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी. स्ट्रक्चर कोर्स एंड PDF आपको दोनों जगह मिलेंगे. इस लाइव टेस्ट एंड क्विजेस में पार्टिसिपेट करने का मौका जो है वो भी आपको दोनों जगह मिलेगा. बात करें फी के बारे में तो आइकेनिक की फी जो है 24 मंथ के कोर्स की फीस 45,000, 12 मंथ के कोर्स की फीस 26,000, 6 मंथ के कोर्स की फीस जो है वो 18,000 है. रेफरल कोड अगर आप यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा फी स्ट्रक्चर पर. अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपके पास लर्निंग ऐप हो, नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए. कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए और कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आप अगर प्लस में इंटरेस्टेड हो तो प्लस के 24 मंथ की फीस 17,000, 12 मंथ की फीस 12,325, 6 मंथ की फीस 9,860, 3 मंथ की फीस 6,250 है. रेफरल कोड AKRISH 10 आप यहाँ पे भी यूज करोगे, आपको यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर पे डिस्काउंट मिलेगा. 3 मंथ के कोर्स की फीस जो है वो बढ़ने वाली है. तो प्राइस अलग हाइक अलर्ट है आप सभी एस्पायरेंट्स के लिए. जिन लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लें. अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद पेमेंट यू कैन पे विथ यूजिंग योर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रजिस्टर्ड UPI ID के थ्रू पेमेंट कर सकते हो. इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो आप. EMI ऑप्शन अगर आपने सेलेक्ट किया है तो यू कैन ऑल्सो पे विथ यूजिंग योर डेबिट कार्ड एज वेल एज अ क्रेडिट कार्ड. तो पार्टिसिपेट करना बिल्कुल ना भूलिए स्पेशल क्लासेस में, बिकॉज स्पेशल क्लासेस में सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे. स्पेशल क्लासेस के कोर्सेज फ्री हैं आपके लिए और फ्री में आप यहां से PDF भी डाउनलोड कर सकते हो कोर्सेज की. तो स्पेशल क्लासेस में भी पार्टिसिपेट करिए. यहाँ पे क्लासेस जो आपको फ्री प्रोवाइड की जाती है तो इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है. यहाँ की जो क्लासेस हैं वो आप सभी लोगों के लिए क्या है, फ्री है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फंक्शनलाइजेशन ऑफ ओलिफिन के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, फंक्शनलाइजेशन ऑफ ओलिफिन ये कोर्स परचेज करिए. मेगा ऑफर है सभी लोगों के लिए. 12 मंथ का कोर्स परचेज करोगे आप, 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा. ऑफर जो वैलिड है 23rd से 13 सितंबर तक वैलिड है. तो चलिए भैया, फंक्शनलाइजेशन ऑफ ओलिफिन के बारे में बात कर रहे हैं. मीन्स क्या है, यहाँ पे ओलिफिन जो है फंक्शनलाइजेशन का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनलाइजेशन? फंक्शनलाइजेशन ऑफ अल्कीन. अल्कीन से आप डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करने वाले हो. डिफरेंट मेथड आप यूज करोगे, डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन आप यूज करोगे और अल्कीन से डिफरेंट कंपाउंड का आप फॉर्मेशन करोगे. आपके लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा, स्टार्टिंग मटेरियल आप यूज करोगे ओलिफिन.
और इसी ओलिफिन से आप फॉर्मेशन करने वाले हो किसका किसका, आप अल्कोहल का फॉर्मेशन करोगे, ठीक है, आप 1,2-diol का फॉर्मेशन करोगे, ठीक है, 1,2-diol का फॉर्मेशन करोगे, एज वेल एज आप अल्केन का भी फॉर्मेशन करोगे। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आप देखोगे कि आप कीटो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हो। तो हम फंक्शनलाइजेशन ऑफ ओलिफिन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो किसके बारे में बात करेंगे, हाइड्रोबोरेशन के बारे में। किसके बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोबोरेशन। हाँ भैया क्लियर है, हाइड्रोबोरेशन के बारे में बात करेंगे। और हाइड्रोबोरेशन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बेसिकली आप जनरली इसे आप यूज क्या करते हो, आप रिएजेंट में आप ज्यादातर लोग पढ़ते हो, ठीक है, आप लोगों को रिएजेंट में पढ़ाया जाता है। हाइड्रोबोरेशन में होता क्या है, फिर हम डिफरेंट रिएजेंट यूज करते हैं, तो उस डिफरेंट रिएजेंट के रेस्पेक्ट में क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, मुझे पेन हो रहा है, गले में दिक्कत है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हाइड्रोबोरेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। हाइड्रोबोरेशन के बारे में बात करें तो आप बोरॉन यूज करते हो, ठीक है, बोरोन यूज करते हो, और बोरोन के थ्रू जो है आप फॉर्मेशन किसका करते हो, आप फॉर्मेशन करते हो कार्बन पे बोरोन का, क्या होता है, एडिशन। यहां पे क्या होता है आपका, बोरोन का एडिशन होता है, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म के बारे में अगर हम बात करें, मैकेनिज्म बहुत आसान होती है। मैकेनिज्म आसान होने का क्या मतलब है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अल्किन, अल्किन के पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से अल्किन कैसा बिहेव करेगी, इलेक्ट्रॉन रिच की तरह, और जब ये इलेक्ट्रॉन रिच की तरह बिहेव करेगी, बोरॉन के बारे में बात करेंगे तो बोरॉन के पास क्या है, वैकेंट वैकेंट पी ऑर्बिटल, क्या है बोरॉन के पास, वैकेंट पी ऑर्बिटल। और वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ जब हम डिस्कशन करेंगे तो ये कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह, कैसा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह। और ये इलेक्ट्रॉन रिच एंटिटी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंटिटी, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, और जब इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा तो दोनों मॉलिक्यूल आएंगे कहाँ पे, प्रॉक्सिमिटी में। जब भैया प्रॉक्सिमिटी में आएंगे तो लेन देन स्टार्ट होगी। लेन देन, लेन देन कैसे स्टार्ट होगी उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। लेन देन में क्या होगा कि देयर इज अ इंट्रैक्शन ऑफ पाई सी सी, जो भी हैप करेगा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल की तरह, एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल जो भी हैप करेगा लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की तरह, इनके बीच में क्या होगा, इंट्रैक्शन। मुझे पता है कि आप सभी लोग पढ़े हो, ठीक है, मुझे ये पता है कि आप सभी लोग पढ़े लिखे हो। तो हाइड्रोबोरेशन में जब बात करेंगे तो जैसे ही आपका पाई सी सी इंट्रैक्ट करेगा, वैसे ही क्या होगी, बोरॉन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। एज पाई सी सी इंट्रैक्ट देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बोरॉन इंक्रीजेस, ड्यू टू विच द बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी। अब जैसे ही ये इंट्रैक्ट करेगा तो इधर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये रिएक्शन एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड होगी, जिस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, आपके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा और बोरॉन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, और पूरी ट्रांजिशन स्टेट में क्या क्या चीजें हो रही होंगी इसके बारे में बात कर। हाँ जी क्लियर है, बोलो। ठीक है, तो यहां पे जब इंट्रैक्शन हो रहा है तो इसके बीच में क्या हो रही है, बॉन्ड मेकिंग,
और यहां पे क्या हो रहा है आपका बॉन्ड ब्रेकिंग, यहां पे क्या चल रहा है बॉन्ड मेकिंग, ठीक है भैया, और यहां पे क्या चल रहा है आपका बॉन्ड ब्रेकिंग। जब ये वाला जो ऑर्बिटल है ये वाला कार्बन बिहेव कर रहा है किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह, पाई सीसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड से इंटरैक्ट कर रहा है, और यहां पे कौन है आपका लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, बोरोन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, ये बॉन्ड इंटरैक्ट करेगा, फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। रिएक्शन चूंकि फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड हो रही है, दैट्स व्हाई द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड द बोरॉन विल बी व्हाट, सिस टू ईच अदर, दोनों के बीच क्या होगा एडिशन जब आपका होगा तो दोनों के बीच का एडिशन होके क्या बनेगा, हाइड्रोजन और बोरॉन जो होंगे सेम प्लेन से ही इंटरैक्ट करेंगे, दोनों क्या होंगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होंगे सिस, है कि नहीं, सिस होंगे। जो नेगेटिव पार्ट था वो इस कार्बन पे और जो पॉजिटिव पार्ट था वो किस पे आ गया, इस कार्बन पे। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, इसी प्रोसेस को आप बोलते हो हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। अब जैसे ही हाइड्रोबोरेशन हुआ कार्बन का जो ऑक्सीडेशन लेवल था जो यहां पे क्या था वन, यहां पे क्या हो गया कार्बन का लेवल जीरो, मतलब लेवल डाउन हो गया ना, कार्बन हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो लेवल क्या होता है जीरो, यहां पे कार्बन से इलेक्ट्रो पॉजिटिव लगा है तो यहां पे भी लेवल क्या हो गया आपका जीरो, तो वन लेवल से कहां चला गया, वन लेवल से जीरो लेवल की तरफ, तो ओवरऑल प्रोसेस क्या हो गई यहां तक, अभी तक क्या है आपका रिडक्शन, यहां तक क्या हुआ है रिडक्शन। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, यहां तक क्या हुआ है रिडक्शन। हाँ जी कलाकारों कंफर्म है, यहां तक अभी क्या हुआ है रिडक्शन। अब ये कंपाउंड जो है जो आपका कंपाउंड पी है, पी इज हाईली रिएक्टिव, मैं यहां बना रहा हूं पी के बारे में हम बात करेंगे, पी के बारे में अगर मैं बात करूं तो पी जो है आपका वो क्या है रिएक्टिव, पी जो है ये क्या है रिएक्टिव, रिएक्टिव क्यों है, व्हाई पी इज रिएक्टिव, द रीजन बिहाइंड द रिएक्टिविटी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज व्हाट, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वैकेंट पी ऑर्बिटल, व्हाट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वैकेंट पी ऑर्बिटल, यहां पे जो है वैकेंट पी ऑर्बिटल जो है भैया वो अभी क्या है वो प्रेजेंस है, तो वैकेंट पी ऑर्बिटल कैसा बिहेव करेगा, लुइस एसिड की तरह, यही पढ़ते हो ना आप, कैसा बिहेव करेगा लुइस एसिड की तरह, मीन्स किसकी तरह बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो अब ये पूरे मॉलिक्यूल के बारे में अगर हम बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट शबनम बानो, गुड इवनिंग एवरीवन, जब मैं इस पूरे मॉलिक्यूल के बारे में बात करूं तो पूरा मॉलिक्यूल का नेचर कैसा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक, कैसा होगा भैया इलेक्ट्रोफिलिक, तो आपको पहचानना है इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कहां पे होगा, बोरॉन के ऊपर, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होगा, तो ये डिफरेंट डिफरेंट के केस में आप पहचान सकते हो किस टाइप के मॉलिक्यूल का हम रिएक्शन करा रहे हैं, किस टाइप के मॉलिक्यूल का रिएक्शन नहीं करा रहे हैं। इसी का रिएक्शन अगर मैं किसी वाई नेगेटिव से करा दूं, वाई नेगेटिव का इंट्रैक्शन कहां पे होगा, वाई नेगेटिव का जो इंट्रैक्शन होगा कहां पे होगा, वाई नेगेटिव का इंट्रैक्शन कहां पे होगा, बोरॉन पे होगा। ई पॉजिटिव से करा दूं, इलेक्ट्रोफाइल से करा दूं, तो इलेक्ट्रोफाइल का इंटरेक्शन कहां होने लगेगा, कहां से, कार्बन से इंटरेक्शन। अरे गुड इवनिंग है भाई, गुड इवनिंग है, आप लोग डिले करके आते हो क्लास में, ये गलत बात है। अब अगर सोचो वाई नेगेटिव की जगह पे ये क्या जनरली जो आपको ज्यादातर मिलता है, ये क्या यूज करते हैं, H2O2+NaOH। अब भाई H2O2+NaOH यूज करते हैं, मींस NaOH कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, Na पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्साइड आयन के फॉर्म, और दूसरा आपका कौन एग्जिस्ट कर रहा है, OOH, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना इसका, पॉइंट ग्रुप क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो ये ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं दिस वन विल बी बिहेव एज अ बेस, हां जी,
अब बेस की तरह जब बिहेव करेगा तो प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करके क्या बना लेगा आपका आयन। अब जब ये आयन बन गए हो, जब ये आयन बन गया तो इसकी एनर्जी जो होगी, इसकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी किसके कंपेयर में भाई साहब, हाइड्रोक्साइड आयन के कंपेयर में। वैसे हाइड्रोक्साइड तो बचा ही नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। हरियाणी में ट्यूनिंग में, अरे भाई क्या बताएं आपको हम, ठीक है। ये चीज ये ओ नेगेटिव, हाँ जी हरियाणवी, हाँ हरियाणा पास में ही है यहाँ पे, तो हरियाणवी ट्यूनिंग में तो बात होगी, ठीक है। तो इधर बात करें, रिएक्ट कौन करेगा इससे, वैकेंट पी ऑर्बिटल से यही रिएक्ट करेगा, और वैकेंट पी ऑर्बिटल से ये जैसे ही रिएक्ट करेगा वैसे ही क्या फॉर्मेशन होगा आपका, यहां पे आपका क्या बोरॉन, और बोरॉन के साथ दो जो दो प्रेजेंस है वो प्रेजेंस रहेंगे ही रहेंगे, और साथ ही साथ क्या OH, ये अटैच्ड हो गया। जैसे ही OH अटैच्ड हुआ इसके पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, वैकेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब जैसे ही इसके पास नेगेटिव चार्ज आया बच्चा लोग, वैसे वैसे क्या होगा कि ये जो कार्बन बॉन्ड था ना ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, क्या हो गया और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। और अब जब ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है तो उसके रेफरेंस में क्या है, इसके बारे में आप सभी कलाकारों को समझना है कि आगे क्या होगा। तो अगर मैं डिस्कशन करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, तो ये आपका ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर तो खैर वैसे ही होगा, मैं इसे बताना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी बता दूं, बोरॉन, बोरॉन के साथ कौन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कौन है, ये ऑक्सीजन और क्या ये आपका एच, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है किधर शिफ्टेड है, इसकी तरफ शिफ्टेड है। यहां पे जो आपका कौन सा ऑर्बिटल्स होगा, जब इसके बारे में बात करें, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग COO से, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग OO से इंट्रैक्शन होगा, ये भी एक आपकी ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होगी जिसमें 1, 2, 3, 4 एटम पार्टिसिपेट करेंगे, 1, 2 रीअरेंजमेंट हो जा रहा है आपका, क्या हो रहा है रीअरेंजमेंट, जिसके रेस्पेक्ट में क्या बन रहा है, इधर से बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद किसके बीच में बॉन्ड बन गया भैया, बॉन्ड जो बना आपका किसके बीच में, OH के बीच में बॉन्ड बन गया, और बाहर कौन निकला आपका BO नेगेटिव, और ये चीज ये बैक बॉन्डिंग कर लेगा, बैक बॉन्डिंग करके आपका ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, क्लियर। फाइनली आपका क्या बना, यहां से यहां तक तो रिडक्शन था, लेकिन जब आप यहां पे कन्वर्जन किए तो क्या हो गया ऑक्सीडेशन, क्या हो गया भैया ऑक्सीडेशन। अगर हम फाइनल कन्वर्जन के बारे में बात करें कि अगर मैं ये रिएक्शन करा रहा हूं किसकी प्रेजेंस में, यहां H2O से जब मैं ट्रीट कर रहा हूं तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन जो हो रहा है किसका हो रहा है भाई साहब, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। एक कार्बन का लेवल तो क्या हो गया फिनिश्ड हो गया, बट एक का लेवल मेंटेन है, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन देन फॉलोड बाई ऑक्सीडेशन ऑन कार्बन, ये क्या है, ये हाइड्रोबोरेशन है, ये इसकी पूरी प्रॉपर मैकेनिज्म है। आप ये सोचोगे कि यार इतनी मैकेनिज्म बताने की क्या जरूरत थी, काम तो वैसे भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन जब आप रिएक्शन की स्टडी करोगे तो जो चीजें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है हाइड्रोबोरेशन, That's why मैंने हाइड्रोबोरेशन के बारे में डिस्कशन किया है। हाँ जी भाई लोग कंफर्म है, अजी बताइयो भैया सभी लोग कंफर्म है ना, डन है ना। तो चलिए नाउ अब हम बात करते हैं, यहां बताओगे आप प्रोडक्ट,
फटाफट बताओगे आप लोग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बनेगा? फर्स्ट आप क्या यूज कर रहे हो? BH3। और सेकंड आप क्या यूज कर रहे हो? H2O2 एंड हाइड्रोक्साइड आयन। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? व्हाट विल बी मेजर प्रोडक्ट? OH, A एंड ये आपका क्या है? CH3, OH या CH3, OH या ऑप्शन बोथ ए एंड बी। कमेंट करो भैया, बोथ ए एंड बी। कमेंट करो फटाफट करिए। अथीरा, आरजू, संदीप, सभी लोग लाइक भी कर दीजिए यार। 11 लोगों को लाइक भी नहीं करते पूरा यार, लाइक तो कर देना चाहिए मेरे दोस्त। बताइए जी, बताइए, करिए कमेंट। बहुत आसान रिएक्शन है, इससे आसान क्या हो सकता है? कमेंट करिए आप सब भी लोग जी। कलाकारों कमेंट करिए, कमेंट। चलिए, पहले आपका क्या होगा? पहले क्या होगा? BH3 का एडिशन, ये बेलो द प्लेन, हाइड्रोजन बेलो द प्लेन, और आपका क्या है BH2, ये भी क्या बेलो द प्लेन। फिर आपका क्या होगा? H2O2 NOH से क्या होगा? रिएक्शन। और ये रिएक्शन होके आपका क्या बनेगा? ये एबव द प्लेन और ये क्या आपका BH2 और आपका क्या OH। बस कुछ नहीं कराना है, आप माइग्रेशन करा दोगे आप इसका। माइग्रेशन होके फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? बी। क्या बनेगा? बी। ठीक है, किसी को डाउट है मैकेनिज्म में? ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा जो गले में ना, थ्रोट्स में कुछ पेन है मेरे, सुबह से क्लास चल रही है, आप लोगों की 8 PM की भी क्लास है, तो थोड़ा सा इसे मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा, बिकॉज 2 आवर्स मुझे और पढ़ाना है प्लस में, वो कैंसिल नहीं कर सकता हूँ इसके। वो जो है ना, हम कल कंटिन्यू करेंगे, टुमारो वी विल बी कंटिन्यू। सुबह से क्लास हो गई है, एकदम हालत हो चुकी है मेरी खराब पढ़ा के। ठीक है, तो इसको कल ही कंटिन्यू करते हैं, आप लोग कल जरूर आइएगा, कल पढ़ेंगे इसको, कंप्लीट करेंगे। आउटसाइन बैच में पार्टिसिपेट करिए, 8 बजे जरूर आइएगा, ये क्लास पढ़ानी ही पढ़ानी है। स्पेशल क्लासेस में भी आप लोग सभी लोग पार्टिसिपेट करिए। थैंक यू एवरीवन। थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है मुझे, तो हम लोग जो है ना आगे पढ़ेंगे कल। प्लस में क्या चल रहा है? प्लस में ये चल रहा है आपका, प्लस में जो है हम करा रहे हैं क्या, क्रैश कोर्स। तो ये क्रैश कोर्स है, 2 आवर्स वहां पे भी पढ़ाने हैं अभी बाद मुझे। ठीक है, तो ये कल ही करेंगे और कल इसे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है भाई, डन है? ओके okay.